वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद शांता कुमार ने जरोवर स्टेडियम में भाजपा महिला सम्मेलन के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाकर रख दिया था। धर्मशाला में जो भी आता है उसका मैनेजर नाम लिखता है, जबकि यहाँ घुसपैठ होती रही लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था और हिंदुस्तान को लावारिसों की धर्मशाला बनाकर रख दिया गया था। अब पाक प्रधानमंत्री की बात पर कांग्रेस हो हल्ला कर रही है। उन्होंने कहा कि पाक प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि क्या कांग्रेस उस पर भरोसा करती है? आलम है कि कांग्रेस उस बात पर विचार कर सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व वर्तमान सांसद शांता कुमार ने जरोवर स्टेडियम में भाजपा महिला सम्मेलन के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाकर रख दिया था। धर्मशाला में जो भी आता था उसका मैनेजर नाम लिखता था, जबकि यहाँ घुसपैठ होती रही लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था और हिंदुस्तान को लावारिसों की धर्मशाला बना दिया गया था। अब पाक प्रधानमंत्री की बात पर कांग्रेस हो हल्ला कर रही है। उन्होंने कहा कि पाक पीएम ने जो कहा था कि क्या कांग्रेस उस पर भरोसा करती है? आलम यह है कि कांग्रेस उस बात पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि सीमा पर बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ को कांग्रेस प्रोत्साहित करती थी क्योंकि घुसपैठ कर आने वाले सभी कांग्रेस के वोटर्स थे। उन्होंने कहा कि एक अनुमान देश में 2 करोड़ विदेशी बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी। पाकिस्तान पर भरोसा करती है क्या? कांग्रेस वहाँ के प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करती है? हम वहाँ के प्रधानमंत्री की बात पर विचार करने के लिए तैयार हैं। जरा आकर देखें हमारे दूसरे सम्मेलन, कहिएगा हमारे दूसरे सम्मेलन हुए हैं उन्हें आकर कांग्रेस के वोट देखे। तो भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी, सभी वर्गों की पार्टी है और हमारे साथ सब आ रहे। हमारे केवल महिला सम्मेलन नहीं, युवा सम्मेलन हो रहे हैं, SC सम्मेलन हो रहे हैं, OBC सम्मेलन हो रहे हैं, तो सभी प्रकार के सम्मेलन हो रहे हैं। शांता कुमार ने कहा कि लाखों की संख्या में असम में रह रहे लोग जो स्थानीय निवासी नहीं है उन्हें बाहर करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में देश को नई दिशा मिली है और अब भाजपा विकास के नाम पर वोट मांगकर जनता के बीच जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस कैरियर निभाएंगे, हम कैरियर निभा के दिखाया आगे भी निभाएंगे। और देखिए हमारी जिसको कहते ना बिल्कुल एक नई दिशा देश को दिखाने की कोशिश की है, तो हम तो अपने विकास के आधार पर और राष्ट्रवाद के देश के सामने पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है, देश के सामने कौन खतरा है। आपको शायद पता होगा एक अनुमान के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा विदेशी बांग्लादेश भारत में, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दुनिया में कहीं पर बिना युद्ध के किसी देश के इतने लोग किसी देश में नहीं आए। ये क्यों आए? वोट की राजनीति। सीमा पर बांग्लादेश से पाकिस्तान से घुसपैठ होती थी, उस घुसपैठ को प्रोत्साहित करती थी कांग्रेस क्योंकि आने वाले सारे कांग्रेस के वोटर थे। हम शुरू से विरोध करते रहे। अब आसाम के अंदर 30 लाख लोग जो वहां के रहने वाले नहीं उनको निकालने की योजना चल रही है, तो बहुत बड़ा फैसला हमने किया है कि हम नागरिकता राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएंगे और ऐसे जो विदेशी यहाँ घुसपैठ करके आए उनको बाहर निकालेंगे। ये तो देखिए ये तो एक धर्मशाला हिंदुस्तान को बना दी। और धर्म मैंने कहा कि धर्मशाला में भी जो आता है मैनेजर उसका नाम लिखता है कहाँ से आयो, कहाँ क्यों कितने अंदर रहेंगे, तो लावारिस धर्मशाला बनाई, बहुत बड़ा निर्णय किया है। और कश्मीर के बारे में जो 370 पैंतीय को खत्म करने का निर्णय, ये राष्ट्रवाद की दृष्टि से देश की ऐतिहासिक पाकिस्तान के। इस मौके पर उनके साथ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर भी मौजूद रहे।